तीन चीजें होती है, एक होता है सत, दूसरा होता है असत, तीसरा होता है मिथ्या। सत सदा होता है, असत कभी होता ही नहीं। जैसे शशे के सिंग ले आना जरा 10 रुपए के, ससलाना सिंगड़ा 10 रुपया ना लेता हो जाए, अने मनुष्य ना सिंगड़ा 100 रुपया ना लेता हो जाए, तो दुकानदार ऐसा नहीं बोलेगा कि माल खत्म हो गया है, पहले था अभी नहीं है या बाद में आएगा। पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं होंगे। मनुष्य के सिंग दुकान पे नहीं मिलेंगे, ससले के सिंग नहीं मिलेंगे, असत है। और सत पहले तो अब भी है बाद में। जैसे सृष्टि के पहले जो सच्चिदानंद परमात्मा था, अभी वो तुम्हारा आत्मा होके बैठा है, वो सत है। शरीर मरने के बाद भी रहेगा, अभी भी है। तो पहले था, अब भी है, बाद में रहेगा, तो ये हो गया सत। लेकिन शरीर, शरीर असत नहीं है। असत होता तो दिखता नहीं, और सत होता तो सदा रहता। तो शरीर पहले नहीं था, 63 साल पहले नहीं था, 64 साल पहले नहीं था, था क्या? आपका 50 साल पहले शरीर नहीं था जो 49 के हैं, तो पहले नहीं था और 50 साल के बाद भी नहीं रहेगा। तो जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहे और बीच में दिखे, उसको बोलते मिथ्या। वो मिथ्या चीज एक जैसी नहीं रहती। जैसे ये फूल हार, कथा करते करते मजा भी ले लो, चलो अच्छा है, सचमुच मजा ले रहा हूं, मेरा हार है। लेकिन 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ये फूल किसान अपने मानता था, आज माली ने अथवा भक्त ने अपना माना होगा। अभी यहां आया तो मैंने अपना माना, लेकिन ये तो जिसके हैं उधर ही जा रहे हैं। इसकी गंध गंध गुण में, इसका जल जल गुण में, वायु वायु में, देर सवेर ये तो जहां आया वहीं चला जाएगा। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, और अभी भी नहीं के तरफ ही तो जा रहा है। ऐसे ये शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, तो अभी भी श्वास श्वास में मौत के तरफ ही तो जा रहा है। तो जो मौत के तरफ जा रहा है उसको मैं मानूं, और जो पहले वस्तुएं नहीं थी बाद में नहीं रहेगी उसको मेरा मानकर आसक्ति करो, तो इसी को तो बोलते हैं अज्ञान। श्री कृष्ण कहते अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से उनका ज्ञान ढक गया। तेन मोहंती जनतवा, उससे वे बेचारे जीव खद बताते, दुखी होते। ध्यायते विषयान पुंसा संगात शुप जायते, जैसा आपका संग होता है ऐसा रंग लगता है। निंदकों के और हरामियों के संग में रहोगे, संसार को सच्चा मानने के वाले, मिथ्या को जो सच्चा मान रहे, दिन रात उनके संग में रहते, इसलिए सत्य ढक गया और मिथ्या ही सत्य दिख रहा है। ये जो मिथ्या जगत है, मिथ्या शरीर है, मिथ्या लेन देन है, वो ही सच्चा लग रहा है। और सत्य जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा आपके साथ, उसका पता नहीं। जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है, उसी शरीर की चिंता है, उसी धन दुकान मकान की चिंता है, उसी की परेशानी में हम खपे जा रहे हैं। तो आप उस सत्य का, भगवान का आश्रय लो। भगवान का वचन है, मत न मद भक्त प्रणिष्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। काम ऐश क्रोध से तो जीव का नाश होता है, लेकिन मेरी शरण आता है तो उसका नाश नहीं होता। क्यों नाश नहीं होता? कि ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि योग दे देता हूं। जो कामनाओं की शरण पड़ता है उसकी तो बुद्धि मारी जाती है, लेकिन जो मेरे चिंतन में आता है तो उसकी बुद्धि को मैं योग, मेरे से मिलने की प्रेरणा दे देता हूं। कौंतेय प्रति जाने ही न मैं भक्त प्रणिष्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तुमने जो पूछा था कि साधन भजन करने के लिए संसार का सुख सुविधाएं छोड़ के संयम से साधना से आपके रास्ते चले और फिर मौत आए, आप तो मिले नहीं और संसार का सुख भी नहीं मिला, तो जैसे बादल को हवा उड़ा के ले जाती है, ऐसे मौत उसको उड़ा के ले गई, तो उस बेचारे का तो ये लोग भी गया, परलोक भी गया। तो भगवान बोलते नहीं, न मत भक्त प्रणिष्यति, जो बड़े बड़े याज्ञिकों को, बड़े बड़े तपस्वियों को दुर्लभ है ऐसा स्वर्ग सुख उनको मुफ्त में मिलता है।
अगर उससे भी ऊंची साधना है तो मेरे धाम में आते हैं और जब तक मेरा लोक रहता है तब तक मेरे साथ रहते और उनसे भी उनको मेरे धाम की सुविधा और आनंद से भी उन्हें तृप्ति नहीं है तो फिर से शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते अथवा योगी नामे व कुले भवति धीमताम। अच्छे ऊंचे कुल में वो जन्म लेते या तो किसी योगी के कुल में जन्म लेते और फिर बचपन से ही उनको मेरी साधना का रस लग जाता है। उभरा हुआ पहले का तैयार जैसे पढ़ा हुआ कहीं दसवीं फिर दूसरे प्रांत में जाएगा तो क्या केजी से थोड़ी शुरू करेगा, फिर दसवीं में वो एडमिट हो जाएगा आधी छोड़िए तो, अथवा तो बोर्ड की परीक्षा छूट गई है तो दूसरे प्रांत में जाएगा तो वहां से फिर ऐसा थोड़ी केजी से शुरू करेगा। ऐसे ही पहले के अभ्यास किया है तो जगत का अभ्यास तो बुद्धि में होता है मन में होता है लेकिन मेरा साधना का अभ्यास तो जीव को स्व में होता है, इसलिए मौत का भी स्व के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। अगर मौत हमको मारती तो हम मर जाते फिर नहीं होते। मौत तो शरीर को मारती है, मौत तो कल्पित संबंधों को मारती है, तो मौत के बाद भी तो हम रहते हैं तो मतलब मौत हम पर नहीं होती तो भक्ति हम करते। जयराम जी, भक्ति के सत्संग के संस्कार हमारे स्व में पड़ते, जगत के संस्कार तो वासना वाले मन में पड़ते। मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, हम थोड़ी बदलते हैं। हमारी बचपन की बुद्धि बदल गई, हम तो वही के वही, बचपन में मेरी बुद्धि ऐसी थी, बचपन का शरीर बदल गया। मेरी छोटी छोटी चड्डी की कल्पना करूं तो वो कल्पना भी निगुड़ी नहीं रहती, कैसी थी बुशर्ट कैसा था। और मैं आसमान के तारों को देखकर कभी कभी मजा लेता था कि तुम भी कोई बड़े नगर सेठ का बेटा है इसीलिए चम चम चमकते हीरे पहरे, तो मैं भी कम नहीं देख तेरे, मेरे बुशर्ट एक जैसा है, ऐसा मैं बोलता था। इतना बेवकूफ था, किसी को बोलना नहीं, नन्ना था तो एक लाडला था तो बढ़िया बढ़िया कुछ ऐसे हम बुशर्ट बनवा दी थी हमने, कोई नकली वकली हीरे वीरे जो लगे होंगे उस समय तो ऐसी बढ़िया, तो तुमने हीरे हीरे वाली बुशर्ट पहनी तो मेरी भी ऐसी है देख। तो अब वो बुशर्ट कहाँ गई निगुड़ी पता नहीं, वो बुद्धि बदल गई, बुद्धि ऐसी थी उसको देखने वाला तो नहीं बदला। अब मेरे को ऐसी कोई बुशर्ट पहना है तो मैं आसमान में ऐसा कह सकता हूँ क्या कि तेरे तू किसी सेठ का है तो मैं भी किसी, ऐसा सोच सकता हूँ क्या? ऐसी बुद्धि नहीं रही, लेकिन मैं तो हूँ तो ये सत्य है। जो बुद्धि बदलने को भी जानता है वो सत्य है, जो सत्य है वो चेतन है, जो चेतन है वो ज्ञान स्वरूप है और जो ज्ञान है वही आनंद स्वरूप है। मुँह में लड्डू रसगुल्ला मिले और ज्ञान नहीं आए तो आनंद कहाँ आएगा? मित्र आके बैठ जाए और उसको परिचय उसका ज्ञान नहीं है तो कहाँ आनंद आएगा? ऐसे ही मित्रों का मित्र बैठा है लेकिन उसका ज्ञान नहीं इसलिए आनंद नहीं आता। बाकी वो जो तुमको चाहिए वो तुम्हारे पास है, बजाओ ताली देखते क्या। कश्मीर में जाऊं तब मिलेगा, फलानी जगह जाऊं तब मिलूंगा, फलानी जगह तीर्थ में जाऊं तब मिलेगा, ये ब्राह्मणा निकाल देना। इदम तीर्थम भ्राम्यते तामसा जना आत्म तीर्थम न जानन्ति कुतः मोक्षसि प्रिये। इधर तीर्थ है, उधर बढ़िया जगह है, उधर वाइब्रेट है, ऐसा ही है। अरे आत्म तीर्थ को नहीं जानते तो मुक्ति कहाँ मिलेगी? बंधन में ही रहेगा वहाँ। फिर तीर्थ के जगह में तीर्थ वाले ही बैठे हैं तो क्या हो गया उनको? तेरा तीर्थ आत्म तीर्थ है, दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली मुलाकात कर ली।